नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। है जोगिंदर पाल जी मेरे साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इनका 2019 में एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना होता है। अब उस सर्टिफिकेट के लिए ये लगातार पिछले 4 साल से जम्मू के चक्कर जो है वो लगा रहे हैं। ये एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था नौशहरा में, और नौशहरा में एक्सीडेंट किस तरह हुआ, कौन सी बाइक से हुआ, क्या हुआ, वह इनसे पूछता हूँ। जोगिंदर जी, मुझे पहले ये बताइए, ये एक्सीडेंट हुआ किस तरह था? ये मैं हंसे जा रहा था तो तेज के साथ मोटरसाइकिल ने ब्रेक नहीं मारी तो ऐसे कट मारने से लग गई। अच्छा, ये टांग फ्रैक्चर थी? हाँ, फ्रैक्चर थी, टूटी, पूरी टूटी थी। टूट गई। कितने फ्रैक्चर्स थे इसमें? इसमें एक आर थी बड़ी, दूसरा जब उन्हें मारा था पूरी गोडा या चित्त बन गया। अच्छा, ऐसे जी हड्डी जी टोटा गई। टोटल हो तो उसमें जो सर्टिफिकेट, उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट आपने कहीं ना कहीं जमा करवाए थे? आपने डॉक्यूमेंट लिए थे? हाँ, लाए थे ना, वो वकील साहब को थे। लगभग 4 साल। आज आप किसके पास गए थे, आज कौन से हॉस्पिटल में? आज CMO के पास। CMO साहब ने क्या कहा? उन्हें वो बोला भाई आपका सर्टिफिकेट बना है, तो मैंने देखा नहीं, जब उन्होंने मेरे से साइन कराई तो मैं बाहर आया तो देखा 20% कम। आपने उस वक्त नहीं देखा? देखिए, ये तो धोखाधड़ी वाला काम है ना। हाँ, 20% किस तरह? 30% कम बना था, बनाना था 50 का। ये इनडायरेक्टली वो जिस आदमी ने या जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया, ये उसको बचाने की कोशिश नहीं की जा रही? नहीं सर, वो बहुत तेज के साथ किया, नहीं ब्रेक मारी ना। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आपको 30% का सर्टिफिकेट दिया जाता है डिसेबिलिटी का, तो इनडायरेक्टली उसको बचाया जा रहा है ना, ये उस आदमी को जिसकी बाइक से आपका एक्सीडेंट हुआ है, उसको बचाया जा रहा है ना? हाँ सर, उसको बचाया जा रहा है। तो आप ये किस तरह, आपको और क्या दिक्कत हुई उसके बाद, क्या क्या प्रॉब्लम? उसको जाकर मेरे को वहाँ से दिल्ली शहर में किया डॉक्टर ने, जम्मू में दाखिल हुआ तो खर्च मेरा लगा, उन्हें खाली 70,000 रुपया दिया और उन्हें ये पता नहीं लगाया पहले लत इसकी है जब काटी को नहीं आया। आप काम क्या करते थे वैसे? मैं पेंसिल लेता हूँ, भाभी मेरी हैंडीकैप है, उसको मिर्गी पहनती, मिर्गी का तो बच्चे भी ऐसे हैं। बच्चे कितने बच्चे हैं? एक लड़की एक लड़का। तो स्कूलिंग खर्चा किस तरह चल रहा है? खर्चा बहुत ही गवर्नमेंट स्कूल दाखिल की थे, बहुत ऐसा पेंसिल मिलती है 1500 रुपया खाली। वो 1500 से घर का गुजारा कैसे चलता? बहुत मुश्किल। आपको तो काम करने के लायक छोड़ा नहीं ना किसी ने? ना, मेरे को छोड़ा नहीं है ऐसे, पर मेरे को बचपन से एक ऐसे रब ने कुर्ती मेरे हाथ जो है कमते हैं, एक ये भगवान तरफ एक्सीडेंट हो गया, मैटर पास हूँ कहीं हूँ, पर मैं कोई चौकीदार की पलाई की कोई नहीं हुआ काम। तो इस वक्त घर का गुजारा कौन चला रहा है? वो घर से मुश्किल से होता है, मैं चला रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। कैसे? ऐसे वहाँ मेरी घर वाली किसी के घर में झाड़ू लगाती है, झाड़ू तो मैं भी ऐसे थोड़ा काम करता हूँ। काम होता है आपसे? थोड़ा झाड़ू खास नहीं, मैं उठाता हूँ ऐसे चाय के गिलास वहाँ टेबल में रख लिए ऐसे बस। हालात देख लीजिए, इस व्यक्ति के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, कुदरती मार तो थी, उसके बाद एक बाइक चालक एक्सीडेंट करता है, टांग कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाती है
और टांग चकनाचूर होने के बाद मेडिकल कॉलेज में कितनी देर रहे आप मेडिकल कॉलेज में? मैं जी रहा मैं 1 महीना पूरा। 1 महीना? एक महीने के बाद आए घर में, फिर ही अपना इलाज कराया। अपना इलाज क्या कराया? प्राइवेट दवाइयाँ लत के टांके खोलनी, दोबारा पट्टी बनानी। कितना खर्चा हुआ था? खर्च बहुत ज़्यादा लगा, कोई ऐसे मेरे को यकीन नहीं पड़ा पर कितना लगा है, बहुत लगा। उसके बीच में बच्चों की स्कूलिंग बंद हो गई होगी, पहले प्राइवेट स्कूल पढ़ते थे? ना ना, गवर्नमेंट के स्कूल। बच्चों को भी दिक्कत हुई होगी? हाँ, बहुत दिक्कत हुई। एक मैंने बहुत एप्लीकेशन दिया अरेना ML को भी, रविंदर रैना को। हाँ, उसको भी फरा था पर मेरे को एक्सीडेंट हुआ, हेल्प कर गया, हेल्प कर गया। उसने किया नहीं, जुगल को किया, मोदी को भी किया, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट सुनाई नहीं हुई। अभी गरीब को बोलते लैन का फार्म भरो, दोबारा भर के दोबारा करो, ऐसे ही हो रहा। किराए पे रहते हैं आप? अपना मकान बने अभी, झुग्गी बनाई है। झुग्गी? अब देख लीजिए, ये वो व्यक्ति है, वो जम्मू का रहने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को कोशिश कर थक गया है, टांग टूट चुकी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए गया तो यहाँ के जो हॉस्पिटल प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, 50 की बजाय 30% का सर्टिफिकेट दे दी गया। अब इससे पहले देख लीजिए, सबसे बड़ी बात धोखाधड़ी किस कदर है। पहले साइन लिए गए, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया गया, वो भी 4 साल के बाद। अब इसका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, अब सर्टिफिकेट आएगा तो इसको कुछ दिया जाएगा। अब 30% जो डिसेबिलिटी है, ये मैं नहीं बोल रहा, इनसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, और मैंने इनको कहा यहाँ बैठिए, मैं बैठ के आपकी खबर करूँगा, मुझे आपको खड़े नहीं करना है, क्योंकि टांग जो है, ये जो एरिया है, ये सूजा हुआ है और ऐसे ऐसे करता है। सबसे बड़ी बात, जब हम गरीबी की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, 9 साल बेमिसाल करवाया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास करवाया जा रहा है, गरीब का साथ बताया जा रहा है, ये भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो ढोल नगाड़े बजा के ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर की तरक्की की साथ चल रहे हैं, 5-5 मरले का प्लाट दिया जाएगा। हाँ, 5-5 मरले के ऊपर बात करते हैं, 5 मरले के प्लाट की बात की जा रही है, आपके पास कोई आया? ना है, जो हमारे को नहीं प्लाट हुए। क्यों नहीं? हमने बहुत एप्लीकेशन दिए तो बाद में मेरे को बहुत ही दिया मैंने DC आगे सब, फिर मेरे को साला एक था उसने थोड़े पैसे डाल के ले देता, तीन मरला मकान नहीं, चुकी पाई दी। हाँ, चुकी पाई है। अब बताइए, इस व्यक्ति को 5 मरले के प्लाट की जरूरत है, मरले प्लाट नहीं चाहिए। आप जो PM योजना जो बता रहे हैं ना, प्रधानमंत्री के नाम पर कहीं ना कहीं मकानात बनाई दिए, बना के दे रहे हैं, इस व्यक्ति को बना के दीजिए। और वो व्यक्ति जिसने इनकी टांग तोड़कर भाग गया, और उसके बाद सिर्फ 70,000 रुपया दिया, क्या 70,000 में टांग जुड़ती है? 70,000 दे के गायब हो गया, उसके बाद इसने इनकी सुध-बुध नहीं ली, पूछा नहीं आखिरकार आपका हुआ क्या, क्या इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी? और सबसे बड़ी बात, CMO साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस व्यक्ति को इसका जो सर्टिफिकेट है वो आप दे दें, अन्यथा हम NGOs के साथ मिलकर कहीं ना कहीं ये इनकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और बात की जा रही है जम्मू कश्मीर की तरक्की इस कदर है, ये डोगरा हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति है, एक झुग्गी में रहने के लिए मजबूर है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर का गुजारा नहीं चल रहा, बीवी झाड़ू पोछा कर अपने घर का गुजारा चला रही है, और ये काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, वो भी बीमार है, मिर्गी पड़ती है, ये कह रहे हैं। अगर इस तरह से जम्मू कश्मीर की तरक्की आप कहते हैं तो नहीं चाहिए जनाब हमें इस तरह की तरक्की, आप हमारे पुराने दिल लुटा दीजिए जो पहले वाले थे, कम से कम हम उन दिनों में 2 वक्त का खाना तो खा सकते थे, अब तो खाना खाने से भी गए। और इस व्यक्ति की जो आवाज़ है वो सुनी जाए। जोगिंदर जी इनका नाम है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और जोगिंदर जी को कहीं ना कहीं अगर आप हेल्प करना चाहते हो
तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालूंगा ताकि आप इनके साथ जुड़े, इनकी हेल्प करें। टांग टूट चुकी है, काम कर नहीं सकते और बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगता है जोगिंदर जी की नीडली हेल्प करनी चाहिए, यानी कि हेल्प करने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि काम नहीं कर सकते, टांग टूट चुकी है, दोनों हाथ कांपते हैं, और मैं क्या बताऊँ, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी इतना ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की फैमिली की हेल्प कीजिए ताकि पता चल पाए कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जिनमें आपस में प्यार बहुत हुआ करता था, आज भी प्यार ज़िंदा है और कहीं ना कहीं हम इनकी हेल्प करने के लिए अभी भी राज़ी हैं। ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।